धर्मा प्रोडक्शन के 50% शेयर्स बिकने के बाद लोगों ने इतना तो जरूर मान लिया है कि डिवाइन जस्टिस होता है, और करण जौहर जिस तरह से सूखी लकड़ी बनता जा रहा, ये भी समझ आ रहा कि इसको कोई बीमारी पकड़ चुका है। बट पीआर वाले इस न्यूज को बाहर नहीं आने दे रहे। करण जौहर ने जिस तरह से सुशांत के खिलाफ कैंपेन चलाया था और उसको फिल्मों से हटवाया था, जनता बदला ले रही है इसका। यशराज प्रोडक्शन और शेखर कपूर मिलकर जो फिल्म बनाने वाले थे पानी, इन्होंने गेम खेलकर इस फिल्म को बंद कराया। आज जनता देख रही है यशराज फिल्म्स का क्या हाल है। फिल्म मेकिंग एक आर्ट है, बट इन्होंने उसको कॉरपोरेट बिजनेस बना लिया और सिर्फ पैसा कमाने का धंधा चला रहे थे ये लोग। तो हाल देख लीजिए, छोटे छोटे बजट की फिल्में, वेब सीरीज आज इनकी फिल्मों से ज्यादा कमा ले रही है। इतना तो जनता जान गई है कि इन लोगों का अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पर है और इन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। सुशांत सिंह राजपूत ही इनका रियल फेस दुनिया के सामने लेकर आया है, वरना हम लोग तो आज भी इन लोगों के बहकावे में ही आते रहते। सुशांत को इन लोगों ने ही बर्बाद किया था, इसकी सजा इन्हें मिल रही है और आने वाले टाइम में बहुत कुछ और भी दिखेगा।